हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और मैं आप सभी का ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन से परिचित कराने वाली हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय वेस्ट किए चलिए इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है वह है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 26, दूसरा है 14 और तीसरा है 27 और चौथा है 24। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इसमें जो सही आंसर है वह है 24। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 33, दूसरा है 26, तीसरा है 14 और चौथा है 29। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है 29। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है गुलबदन बेगम, दूसरा है अमर सिंह, तीसरा है फिरदौसी और चौथा है हुमायूं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है गुलबदन बेगम। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है। फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कानपुर और चौथा है चेन्नई। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है मुंबई। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन लिखे हैं। पहला है खेल के क्षेत्र में, दूसरा है विज्ञान के क्षेत्र में और तीसरा है फिल्म के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है फिल्म के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है नेहरू जी का, दूसरा है महात्मा गांधी जी का, तीसरा है भगत सिंह जी का और चौथा है सुभाष चंद्र जी का। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है 6 फरवरी, दूसरा है 8 फरवरी, तीसरा है 4 फरवरी और चौथा है 5 फरवरी। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है 4 फरवरी। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वह है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप का क्या नाम है, सबसे बड़े प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिए हैं। पहला है अरब प्रायद्वीप, दूसरा है इंडोनेशिया प्रायद्वीप और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है अरब प्रायद्वीप। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।